बाय सिद्धू, इसमें तो बाय बोल दे एक बार कैमरे में, कैमरे में बाय बोल दे एक बार, बाय कैमरे में जोर से बाय, बाय सिद्धू, इसमें तो बाय बोल दे एक बार कैमरे में, कैमरे में बाय बोल दे एक बार, बाय कैमरे में जोर से बाय, बाय सिद्धू क्या क्या कह रहा है, बाय इसमें तो मैं दिख रहा हूं, बाय बाय बाय। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहाड़। और अभी हो चुके हैं सनराइज और जा चुके हैं सिद्धू लोग, और हम लोग गए थे उन्हें बाय बाय कहने के लिए इधर पास में, और इधर है अपना घर और हो रहा है सामने से सूर्य उदय। और ये ब्यूटीफुल सनराइज हमारे घर से दिखाई दे रहा है अभी, और इधर पे है दीदी, इधर पे है आदि, ये हैं चाची और मम्मी, और ऐसा है कुछ सुबह सुबह का व्यू। सिद्धू चले गया, कैसा लग रहा है? सुनसान हो गया। अब बताओ, मम्मी को याद आ रही है सिद्धार्थ की? अब सुनसान हो गया सिद्धू। हाँ, ओ उधर चली गई गाड़ी इसकी। खुश हो रहा है, कब आएगा पांच दिन में बोला, आज देखूंगा बोले साथ। तो सिद्धार्थ अभी जा चुका है तो घर में हो जाएगा एकदम सन्नाटा, क्योंकि एकदम बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो चहल पहल रहती है, हल्ला भी रहता है, तो मम्मी का कहना है कि अब उसकी याद आएगी और एकदम सन्नाटा हो जाएगा यहाँ पे। सुबह सुबह यार वेदर की तो क्या ही बोलूँ मैं, हमारे यहाँ पे जो वेदर, हाँ हाँ हाँ, इतना शानदार वेदर दिल खुश कर देता। तो अभी हो रहे हैं दिन के एक, और सुबह के समय जो मौसम था वो एकदम बढ़िया खुला हुआ मौसम था, धूप आई हुई थी सुबह के समय पर, और अभी के समय मौसम कुछ ऐसा हो चुका है सामने। और साथ में एक अच्छी खबर आप लोगों को बताऊं कि हल्का हल्का ना बर्फबारी भी अभी होने लग गई है, तो हो सकता है कि शाम तक बहुत अच्छे से बर्फबारी हो जाए, अगर हवाएं ना चली तो बहुत अच्छी तरह से बर्फबारी होगी और देखने को मिलेगी आप लोगों को भी यहाँ पे बर्फबारी। तो कुछ ऐसा है आज का मौसम, हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही हैं और वीडियो में भी हवाओं की आवाज़ आ रही होगी, और तो देखते हैं शाम तक अगर बर्फबारी होती है तो मिलते हैं बर्फबारी के साथ में, नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, इंतज़ार तो हम काफ़ी दिनों से कर ही रहे हैं। बाकी मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है, एकदम सॉल बैठा हुआ हूँ। मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद में, अभी मुझे जाना है सिलेंडर पहुँचाने के लिए, क्योंकि गाड़ी आ रही है सिलेंडर की, पहले सिलेंडर गाड़ी में पहुँचा के आते हैं फिर जाएंगे सिलेंडर भरवाने के लिए। पहाड़ों में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ना सारे काम आपको खुद ही करने होते हैं। कई जगह पे क्या होता है, प्लेन्सों में तो क्या है कि सिलेंडर वाला घर तक आके सिलेंडर पहुँचा के जाता है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको खुद ही अपना काम करना पड़ेगा। और वो तो थोड़ा सुविधा हमारे यहाँ पर तक है कि हमारी खुद की लोकल गाड़ी से हम अपनी गाड़ी से ऊपर तक जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पर मुझे सिलेंडर पहुँचा के ले जाना पड़ता, तो कुछ ऐसा है सीन। तो ये गाड़ी हमारी, इस पे डाल देते हैं सिलेंडर को। हाय, अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और मौसम फिर से एक बार खुल चुका है। उस समय मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हल्की फुल्की बर्फबारी होने लग गई थी, परंतु फिर अभी से देखिए मौसम फिर से खुल चुका है और सामने वाली पहाड़ी पे बर्फबारी फिर से हो चुकी है। तो यार ऐसा ही कुछ है पहाड़ों का मौसम, क्षण भर में बदलता रहता है। अभी भी ठंडी हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं, पर अभी बर्फ तो है नहीं और मौसम देखिए ऊपर पूरा खुल चुका है। हो सकता है कि शाम तो बर्फ अभी गिर सकती है या फिर नहीं भी गिर सकती है, तो देखते हैं सुबह उठ के क्या होता है। फिलहाल आज के दिन की यहीं पे समाप्ति करते हैं और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, किसी जगह को एक्सप्लोर करते हुए या फिर रत्नागिरी से बर्फबारी के साथ में। तब तक के लिए वीडियोस पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।